हेलो एवरीवन, और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे के लिए कैरोट प्यूरी। तो कैरोट प्यूरी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 4 गाजर, जिसको मैं पहले धो ली हूँ, और उसके बाद फिर अब इसके ऊपर नीचे का सारा डंठल मैं काट लेती हूँ, और काटने के बाद इसको मैं छील लूँगी, और छीलने के बाद मैं वापस इसे धो लूँगी ताकि अच्छे से यह धुल जाए, और इसे मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ जो कि अभी अभी 6 महीना पूरा किया है। और देखिए, इस तरीके से इसे धोने के बाद काट लीजिए छोटा छोटा कर कर, पतला पतला। गाजर जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, और इसमें जो है वो हल्का मीठा होता है, तो ये बच्चे जो है वो बहुत प्यार से खाते हैं। और ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। आप चाहें तो स्टीम करके भी बना सकते हैं इसे, बट मैं यहाँ पर पानी डालकर इसे पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट में ये पक जाएगा, और इसके लिए मैं जो है वो गैस का फ्लेम जो है वो सिम पर रखी हूँ। देखिए, 15 मिनट बाद मेरे गाजर जो है वो खूब अच्छे से पक गए हैं, और इसका जो सारा पानी है वो लगभग सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा है। तो अब मैं इसे ग्राइंडर में डालकर इसे ग्राइंड कर लूँगी, बहुत अच्छे से इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए, बहुत अच्छे से एकदम ये फाइन प्यूरी बन चुका है। तो अब मैं इसे कटोरी में डाल लूँगी, और ये हमारा गाजर का प्यूरी तैयार है। अगर आपके गाजर का प्यूरी जो है वो थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि उसमें अच्छे से नहीं बनाए, तो उसे छन्नी से आप छान कर और बच्चे को दें। बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे खाते हैं।